उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 7 चरणों के मतदान के बाद अब इंतजार कल के दिन का है, जब लोकसभा की 543 सीटों का रिजल्ट हमारे सामने होगा। मतगणना को लेकर देश के तमाम हिस्सों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही साथ मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो सके। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रदेश भर में सभी 13 जिला मुख्यालय पर काउंटिंग होगी। पूरे प्रदेश में 884 टेबल काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ ही काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली काउंटिंग के तहत सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। महत्वपूर्ण तो यह है कि सिर्फ 5 जिलों देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, यूएस नगर, पौड़ी, आरओ सेंटर पर ही पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। बाकी सभी 8 जिलों में सुबह 8 बजे से ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के पास अभी तक 91,800 पोस्टल बैलेट पहुंच चुके हैं। इसमें से अकेले 60% पोस्टल बैलेट पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के हैं। कल हमारा जो मतदाता है, उत्तराखंड की मतदाता, अप्रैल 19 में लगभग 46 लाख लोगों ने उनका मताधिकार का प्रयोग किया है। कल इन सारी मतों का कल काउंटिंग होगी। कल सुबह जून 4 को सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। सारी जनपदों में ये काउंटिंग शुरू होगा। 5 जनपद जहां जहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठता है, जैसे टेहरी हो गया, टेहरी गढ़वाल, मतलब देहरादून जिले हो गया, टेहरी गढ़वाल जिला, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं हरिद्वार। तो मंगलवार को 8 बजे से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए देहरादून में हर विधानसभा के लिए 14-14 काउंटर तैयार किए गए हैं, जो कि ईवीएम मशीनों से हुई वोटों को काउंट करेंगे। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए 40-40 टेबल्स लगाई गई हैं। तैयारी सोनिका जी, मैम किस तरीके आप लोगों की तैयारी है, क्या कुछ देखने को? यहाँ पे यहीं पे स्ट्रांग रूम बना था महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में, और यहीं पे हमारा जो काउंटिंग सेंटर है वो भी यहीं पे है। 10 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और जो पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस की काउंटिंग के लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। अभी हमारी जो मतगणना कर्मी है उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है नींबूवाला में, और इसके साथ साथ यहाँ सारे एआरओज उपस्थित हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं। कितने बजे से शुरू की जाएगी और कितने काउंटर आप लोगों ने? 8 बजे से है, और इस सभी से हम लोगों ने कहा है कि 7 बजे तक अंदर आ जाएं, और हर एसी में हमारी 14 टेबलें लगाई गई हैं और वहां पे मत करना है। तो कहना कि हर प्रकार की व्यवस्था यहां पे की गई है, और कल 8 बजे से यहां पे लोकसभा सीट टिहरी और हरिद्वार के लिए मतगणना शुरू की जाएगी। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। हरिद्वार में भेल के केंद्रीय विद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना केंद्र के लिए प्रशासन की ओर से फूल प्रूफ तैयारी कर ली गई है, और जिले की 11 विधानसभाओं के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, अर्धसैनिक बल सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्याशी शांतिपूर्वक वापस जाएंगे, किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी, और उसके ठीक आधे घंटे बाद फिर हमारे ईवीएम से काउंटिंग होगी। 11 विधानसभाओं में लगभग 92 टेबल हमारे ईवीएम्स के लग रहे हैं, और मैक्सिमम राउंड हमारा 23 राउंड का होगा जो हरिद्वार का है शहर का, और बाकी 21 राउंड, 19 राउंड और 15-17 राउंड हैं। और जो ईटीडीबीएस के लिए वो 30 टेबल हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें हर 10 टेबल में 1 AR की तैनाती की गई है। और वोटिंग से पहले सवाल खड़े करना कांग्रेस की हार दिखाता है, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले 5 सीट जीतने की बात कर रही थी, अब 2 सीट की बात कर रखी है और कल तक 0 पर आ जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी मंगलवार को बड़ी जीत हासिल करेगी। उसके द्वारा बताया जाता है केवल मतगणना के दिन भिन्न प्रकार प्रश्न खड़ा करना कांग्रेस की हार को ही बताता है। आज 4 से 5 से 2 पे आ गए,
कल सीट जीरो होने वाले हैं, इसलिए फॉर्म 17 से किसके पास है। तो काउंटिंग से पहले सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हाईकमान की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि काउंटिंग के क्लोज मॉनिटरिंग की जाए, तो ईवीएम की हिस्ट्री को भी चेक किया जाए, मतलब ये कि जो ईवीएम इस्तेमाल हुई हो हिस्ट्री में वही नंबर लिखा हो, क्योंकि बाद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से अंदेशा गहराया हुआ है। 17C फॉर्म का मिलान और हिस्ट्री ऑफ ईवीएम, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है उसको कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी दी जाती है, और जब काउंट वोटिंग खत्म होती है उसके बाद एक हिस्ट्री लिखी जाती है जिसमें बताया जाता है कौन से नंबर की मशीन का इस्तेमाल इस बूथ में हुआ है और इन इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये नंबर की ये मशीन है। मंगलवार को चुनाव नतीजे का दिन है और इन चुनाव नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अजय भट्ट लगातार दूसरी बार नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, और चुनाव नतीजों की ठीक एक दिन पहले अजय भट्ट आत्मविश्वास से यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखे, और वहीं भट्ट ने भी नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ऐलान कर दिया है। इस बात की होती है कि मोदी जी तीसरी बार भारी बहुमत से आ रहे हैं, इन 5 सालों में भारत कहां पहुंच जाएगा हमको कल्पना भी नहीं है, अभी इतनी ऊंचाई पर मोदी जी देश को ले जाने वाले हैं, ये सबसे बड़ी खुशी। उत्तराखंड की एकमात्र रिजर्व लोकसभा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है और इस लोकसभा में 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग होगी और जीत का दावा मुख्य मुकाबले में शामिल दोनों उम्मीदवार कर रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की काउंटिंग चारों जिलों में होगी। अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर जहां 12 टेबल लगाई हैं, वहीं पिथौरागढ़ की 4 विधानसभाओं में 14 टेबल लगी हैं। पिथौरागढ़ की तर्ज पर ही बागेश्वर की 2 विधानसभा सीटों के लिए भी 14 टेबल लगाई गई हैं, जबकि चंपावत की 2 विधानसभाओं में मतगणना के लिए 12 टेबल लगी हैं। चारों जिलों में मतगणना के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पहाड़ की रिजर्व लोकसभा सीट में इस बार कुल 13,39,327 मतदाता थे, जिनमें 6,53,896 ने मतदान में हिस्सा लिया है। प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से हमारे काउंटिंग रूम भी तैयार हो गए हैं, जो काउंटिंग एजेंट की गैलरी होती है और जो हमारे बीसीबी होते हैं वो सब तैयार हो चुके हैं, सीसीटीवी कैमरे का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है और जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है, ईटीवीएस की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस लोकसभा सीट पर पहले की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। 2009 में सीट रिजर्व होने के बाद यहां मुख्य मुकाबला प्रदीप और अजय टमटा के बीच ही रहा है, लेकिन अब तक की लड़ाई में बीजेपी के अजय टमटा ने जहां प्रदीप को 2 बार मात दी, वहीं प्रदीप टमटा सिर्फ 2009 में ही जीत दर्ज कर पाए हैं। ये बात अलग है कि इस बार दोनों दावेदार जीत का दावा कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है उस पर मोहर लगाई है और कमल के फूल में अपना बटन दबाया है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना प्यार पिछले चुनाव में मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को और स्वयं मुझे मिला है उससे अधिक ही प्यार हमको मिलने वाला है। पूरी तरह से आश्वस्त है इस देश में इन 10 सालों में और विशेषकर उत्तराखंड का जो मामला है, पूरी तरह जो नौजवान है, रोजगार जो अहम सवाल है। जीत किसकी होगी ये तो मंगलवार को काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में अगर बीजेपी के अजय टमटा जीत दर्ज करते हैं तो वो इस लोकसभा में हरीश रावत और बच्ची सिंह रावत के बाद लगातार 3 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं सीट कांग्रेस की झोली में गई तो प्रदीप टमटा चुनावी सीरीज को बराबरी में लाने में कामयाब होंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव रुझानों की माने तो बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक बनाने जा रही है। खबर तो ये तक है कि जीत की ये हैट्रिक बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का भी भाग्य उदय करने जा रही है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती में अभी कुछ घंटों का समय बचा है, लेकिन एग्जिट पोल के रुझानों ने बीजेपी को उत्साह से भर दिया है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो परिणाम आने से पहले ही बाकायदा ऐलान कर दिया है कि चुनाव परिणाम के बाद पार्टी चुनाव में बूथ लेवल तक अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं पार्टी नेताओं को सम्मानित करेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी सरकार में दायित्वधारियों की दो और लिस्ट जारी कर ऐसे वर्कर्स को सम्मानित कर सकती है। टोटल पोलिंग का 80% से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हुआ है, ऐसी विधानसभा के जो विधायक हैं जो हमने उसके संयोजक उनको हम सम्मानित करेंगे, ऐसे बूथ जहाँ 90% से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पक्ष में हुआ है ऐसे बूथ के बूथ अध्यक्ष को हम सम्मानित करेंगे और इस संदर्भ में हमने कार्यक्रम रचना तैयार की है। सूत्रों की माने तो चुनाव परिणाम के बाद पार्टी समीक्षा मीटिंग आयोजित कर सकती है। इसके बाद खासकर उन कार्यकर्ताओं की लॉटरी खुल सकती है जिन्होंने उन 23 विधानसभाओं में बेहतरीन काम किया जहां बीजेपी के विधायक नहीं थे। पार्टी का इन सीटों पर विशेष फोकस रहा है। कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढ करके निश्चित तौर पर उनको सम्मान भी देना चाहिए और उससे पार्टी को लाभ इस रूप में होता है कि भाई अगर उनकी प्रमाणिकता है तो प्रमाणिकता वाला व्यक्ति के पीछे जनता होती है और जनता जिसके पीछे होती है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं संगठन को होता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को महत्व जरूर दिया जाना चाहिए। दरअसल बीजेपी इससे एक तीर से दो निशाने साधने का काम कर रही है। पार्टी को अभी दो विधानसभाओं में उपचुनाव में जाना है तो निकाय चुनाव भी सिर पर है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे इसके लिए संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक से हरिद्वार पहुंचे और ऋषिकुल मैदान में बने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम धामी ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में खड़े यात्रियों से मुलाकात की बातचीत की है। सीएम धामी से मुलाकात के दौरान यात्रियों ने जय श्री राम और हर हर महादेव की जयकारे भी लगाए और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कई यात्रियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन सेंटर पर यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कि सभी दर्शन भी कर लें और दर्शन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि अत्यधिक अगर संख्या होगी तो उससे भी दिक्कत होने की आशंका रहती है जो शुरुआत के दिनों में हुई है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आगे धामों पर भी बात कर रहे हैं क्योंकि धामों की भी एक बेयरिंग कैपेसिटी है और वहाँ से बात करने के बाद क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं अब इतनी गर्मी भी है और परेशानी भी है, दोनों चीज़ें हैं, उसको देखते हुए देख रहे हैं कि क्या अच्छा समाधान। साउथ अफ्रीका से सुर्खियों में आए गुप्ता बंधुओं की मुसीबतें बढ़ने लग गई हैं। देहरादून में बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की उन कंपनियों को पुलिस खंगाल रही है जिन पर मृतक सत्येंद्र साहनी को शक था। देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े नेताओं के संपर्क में रहने वाले गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता देहरादून की जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। गुप्ता बंधुओं के खिलाफ जमीन पर कब्जा करना, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी और एक्सटॉर्शन समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस जांच में पता चला कि मृतक साहनी की कंपनी के अकाउंट में गुप्ता बंधुओं की कई कंपनियों के अकाउंट से करीब 30 करोड़ रुपए भेजे थे जिनसे हाउसिंग सोसाइटी तैयार होनी थी, जिस पर पुलिस ने सभी कंपनियों से जवाब मांगा है। साथ ही सभी कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया है। किसी कंपनी के नाम दिए गए हैं जो अनधिकृत, जिसमें बताया गया कि पैसा आने के कारण उन्होंने इसको ब्लॉक किया प्रोजेक्ट को कि कहीं ऐसा कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या गलत सोर्स से पैसा तो नहीं आ रहा, तो बहुत सारे बिजनेस जो इसके देख रहे हैं कि इसमें अकाउंट्स में पैसे आए हैं, तो इसमें हमने ईडी से भी पत्राचार किया है चूंकि कहीं किसी शेल कंपनी के माध्यम से कोई पैसा ना आ रहा हो, तो सभी पहलुओं पर इसमें जांच चल रही, खासकर फोकस है जो सोसाइट का जो केस है वो किन कारणों से हुआ, किस क्या उसके पीछे कारण रहे थे। गुप्ता बंधुओं की जिन कंपनियों से सत्येंद्र साहनी की कंपनियों में पैसा भेजा गया था उसमें मुख्य रूप से हैं अवनी परिधि एनर्जी कम्युनिकेट कंपनी, विजेता वेब्रेजर्स कंपनी, सुरपाल पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनवी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अर्जुन सिंह जोहाल कंपनी और एनवी डिजिटल रीज एंड ब्रिफेरियस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल हैं। इन कंपनियों से करीब 30 करोड़ 95 लाख रुपए भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि ये कंपनियां या तो शेल कंपनियां हैं
या फिर इन कंपनियों का गुप्ता बंधुओं के साथ कुछ नाता है जो ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम करती हैं। तो कंपनी जिसमें शामिल पाई गई हैं, कहीं पैसा आने की बात जो बताई गई है कि अलग अलग जो उनकी ऑडिट कंपनी ने बताया कि पैसे इसमें प्रोजेक्ट में काफी अलग अलग कंपनियों से आ रहे थे, इसके लिए ईडी को भी बताया गया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज में आगे आने पर तथ्यों के आधार पर सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। गुप्ता बंधु फिलहाल जेल में है। पुलिस इनके खिलाफ लगातार सबूतों के साथ कड़ियों को जोड़ रही है जिससे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए अब ईडी का भी सहारा लिया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। दो दिन पहले हरिद्वार के पथरी इलाके में मेले में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रप्रयाग की सोनप्रयाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नेपाली मूल के शख्स से 90 बोतल शराब बरामद किया। आरोपी पर आवश्यक कार्रवाई की गई। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की मतगणना हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में होगी। अल्मोड़ा में इस बार आईटीआई में मतगणना की जाएगी। डीएमएसपी और संबंधित अधिकारियों ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना ड्यूटी में लगे राट महाविद्यालय के 16 कर्मचारियों को हटा दिया। बीजेपी की शिकायत पर इन कर्मचारियों को हटाया गया। बागेश्वर में भी मतगणना के लिए प्रेक्षक प्रियंका कुमारी ने बीडी पांडे कैंपस में बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रही हैं। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चर अहम भूमिका निभाते हैं। इन घोड़े खच्चरों के लिए कई वेटनरी डॉक्टर को यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है। बागेश्वर में दोपहर बाद मौसम ने एकाएक करवट बदली। जिला मुख्यालय समेत कांडा कपकोट क्षेत्र में लगभग एक घंटे तक झमाझम बारिश हुई। उत्तरकाशी में आज शाम होते ही तेज हवाओं के साथ मौसम बदल गया। इसके चलते कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी और स्थानीय लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली है। अगर आप नैनीताल में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नैनीताल शहर में गुलदार भी घूम रहा है। पिछले एक हफ्ते से शहर के अलग अलग सड़कों पर लेपर्ड की धमक दिखी है जिससे खतरा बना हुआ है। पहला वीडियो नैनीताल के सुख निवास का, जहां रात में गुलदार चहलकदमी करते दिखाई दे रहा है जिसमें लोगों में खौफ है। दूसरा वीडियो नैनीताल के फांसी गदेरे का, जहां लेपर्ड आराम से शिकार की तलाश में घूम रहा है। स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। नैनीताल में गुलदार की दहशत। तेज आवाज कर ध्वनि प्रदूषण कर रहे कई धार्मिक स्थलों से हरिद्वार पुलिस ने लाउडस्पीकर हटवाए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर 77 धार्मिक स्थलों पर यह कार्रवाई की गई। एसएसपी ने बताया कि लगातार तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों का संज्ञान लेकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले धार्मिक स्थलों के संचालकों से बातचीत की गई और करीब 77 स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा क्योंकि अगर इस तरीके की जो सूचनाएं आती हैं या कोई ऐसा ध्वनि प्रदूषण होता है जिससे समाज में असंतोष या आक्रोश की बात आती है तो उसको पुलिस ने तत्काल प्रभाव में हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नैनीताल में जल्दी ही पर्यटकों को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलने जा रहा है। यहां पर एक छत के नीचे पूरा पहाड़ दिखेगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने सुखा ताल में इसके लिए कुमाऊं का क्राफ्ट सेंटर तैयार किया है जिसमें पहाड़ के उत्पाद के साथ यहां बनने वाले सामान टूरिस्ट के लिए रखे जाएंगे। केव गार्डन प्रकृति के बीच बनाए गए इस सेंटर में लोक संस्कृति की झलक भी शाम को देश भर के पर्यटकों को देखने को मिलेगी। इस क्राफ्ट सेंटर का काम पूरा हो गया है लेकिन इसको अब जल्द शुरू करने की तैयारी है।
देखिए, सुखाताल में जो क्राफ्ट सेंटर तैयार हुआ है उसमें 5 दुकानें हमारी क्राफ्ट सेंटर के लिए डेडिकेटेड हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, जिसमें कुमाऊनी और पहाड़ी हमारे जितने उत्पाद रहते हैं उनकी बिक्री के लिए प्रावधान किया गया है। चकराता में इन दिनों पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ रही है, जिससे कि सभी होटल पैक हैं और पर्यटन काफी ज्यादा खुश भी हैं और पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश हैं। मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। देहरादून का चकराता क्षेत्र भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहाँ के टाइगर फॉल में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग टाइगर फॉल पहुंचकर झरने के ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। चकराता बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल टूरिस्ट पॉइंट है फॉर इंडियंस, बिकॉज फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड हियर। और यहाँ पे आने के बाद लगा कि कितना शांत और कितना एक पहाड़ों में जो एक सुकून जो मिलता है वो चकराता में आपको आके फील होगा। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए चकराता वाटरफॉल है, ये टाइगर वाटरफॉल है और चकराता सनराइज सनसेट पॉइंट है। चकराता में सैलानियों की भीड़ बढ़ने से कई बार थोड़ी जाम की समस्या भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। चकराता के होटल पैक चल रहे हैं, वहीं पर्यटकों के आने से चकराता के व्यापारी के चेहरे भी खिले हुए हैं। सीजन जो है पीक पर है और कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहे एक आध महीना तो पूरा साल का हमारा जो है कोटा पूरा हो जाता है, तो पूरा पर्यटन पर ही निर्भर हो गया। पर्यटन कारोबार पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसे पर्यटकों की हर रोज बढ़ती संख्या व्यापारियों को सुखद एहसास करा रही है। दूसरी तरफ सैलानी भी यहां आकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए चकराता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।